Hello friends, welcome to Classic Edits. तो आज हम सीखेंगे जोकर फेस वाला एडिट. तो पहले फोटोशॉप ऑन कर लेते हैं, उसके बाद फोटो सेलेक्ट कर लेना. फाइल में जाके, ओपन में जाके फोटो कोई सा भी सिलेक्ट कर लेना. उसके बाद हमने ये फोटो सेलेक्ट किया है, तो इसको मैं थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ. मैं आधा ही करने वाला, आप फुल कर सकते हैं. बस इतना ही मैं करने वाला हूँ. तो पहले हम इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट, इसको शेडो है, इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे. ये 30 35 में है, 28 के पास कर देंगे बस. ओके, हो गया हमारा ये वाला फर्स्ट. यहाँ मतलब जो था पहला, उसको बैक करने के लिए कंट्रोल और जेड दबा के देख सकते हैं. ये देखो, ये था, और फिर से वापस लाने के लिए कंट्रोल और जेड. हो गया, ये था, ये हुआ, ये था, ये हुआ. तो इसके बाद हम फिल्टर्स में जाएंगे, कैमरा रो फिल्टर में जाएंगे. कैमरा रो फिल्टर में काम है, फिर देखते जाए मैं क्या कर रहा हूँ अभी. बस ओके कर देना, इतना सही करना है, ज़्यादा नहीं करना है. बहुत ही सिंपल टेक्निक है. इसके बाद तो इसके बाद हम जो फेस में स्पॉट है इसको हटा देंगे. ये टूल में क्लियर हो जाता है, सिर्फ दबाना है स्पॉट के ऊपर लेफ्ट क्लिक माउस में. ये तो पूरा क्लियर हो रहा है. हो गया अभी क्लियर, हो गया. इसके बाद हम तो इसके बाद हम एक पीएनजी डालेंगे जोकर का. उसका मैं पीएनजी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा. प्लेस में फाइल में जाके प्लेस में आएंगे. ये वाला पीएनजी मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में. इसको थोड़ा जूम करेंगे, शिफ्ट और कंट्रोल, शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक दबा के इसको बड़ा करना, नहीं तो छोटा बड़ा कोई सा साइज हो जाएगा. सिर्फ अभी हम आँख लगाएंगे. इसका डबल लेयर कर लेते हैं. मैं बताता हूँ, ये जो है ना, ये जो रेड का हिस्सा है इसको हम मिटा देंगे फर्स्ट. ये वाला हाइड कर लेते हैं फर्स्ट. सिटी थोड़ा कम होकर देखेंगे कहाँ पे बैठ रहा है. थोड़ा सा नीचे, बस हो गया, डन, हो गया. अभी ये जो इसको तो मिटाएंगे अभी. थोड़ा नीचे में चला गया है इसको.
से वाइट कर देना, इसको थोड़ा ऐसे करके इसके साथ मर्ज कर देना थोड़ा। चुमा करते हैं अभी, ये जो काला हिस्सा है ना इसका, कैमरा रोके टाइम में जा कर डायरेक्टली इसको थोड़ा बढ़ाएंगे कलर, ये वाला जो हिस्सा है थोड़ा सा हार्डनेस करेंगे, इसमें अमाउंट में थोड़ा शार्प हो जाएगा, ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा कमर के देखेंगे कैसे दिखता है, बस ये बढ़ाना थोड़ा। ओके तो इसके बाद फिर थोड़ा सा इसको कमाएंगे, ये जो साइड का हिस्सा है ये थोड़ा थोड़ा वाइट दिख रहा है तो इसको हम इरेज कर लेंगे। ये होने के बाद हम दूसरा वाला जो हाइड किया था ना उसको अनहाइड करेंगे, और ये इसका ऊपर हाइड है ना इसको पूरा का पूरा मिटा देंगे। तो उसके बाद इसको मैच करेंगे, ये जो फेस है ना इसको थोड़ा और डार्क कर देंगे। What we do here is go back. थोड़ा मिक्स हो रहा है जैसे चेहरे के साथ ओरिजिनल जैसे लग रहा है थोड़ा सा। बैकग्राउंड और हमारे इमेज के ऊपर पूरा डाल जाएंगे, तो फिर हम थोड़ा सा यूज कर कलर कर करेंगे। मर्ज कर देंगे, हमें वो बिल्डिंग में जाएंगे फिर से, ये जो पीछे का ग्रे है ना इसको ठीक है भाई। Thank you.
समय बढ़ा के आप देख सकते हैं आपको कहाँ पसंद आ रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे लेंस फेयर लाइट टाइम डालेंगे। इसके बाद सेंटर से थोड़ा सा ब्लर बढ़ाएंगे इसको। बस हो गया। उसके बाद हम इसकी जो है ना इसको थोड़ा सा कमाएंगे। बस इतना सा रह जाते हैं मर्ज करके। मर्ज होने के बाद हम फिर से कैमरा फिल्टर में जाएंगे। कितना साफ हो रहा है, बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पे जाएंगे थोड़ा ये अमाउंट बढ़ेंगे तो और भी साफनेस बढ़ेगा, देख सकते हैं कितना सा कुछ बढ़ा था इसको थोड़ा सा। और यहाँ पे आप कमा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं आप भी जो ग्रीन है इसको थोड़ा लाइट कर लेंगे। इसको थोड़ा हम डिटेल सकते हैं जैसे सिंपल चाहे। यहाँ पे जाएंगे एक्सपोजर इसको दबाएंगे और मिडिल गाइस है इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। पूरा विंटेज हो गया देखो, इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे और ये जो है इसको थोड़ा सा घुमा देंगे। बस इतना सा देखो अभी ये कैसा था कैसा कैसा था कैसा हुआ। इसको भी मर्ज कर देंगे और लास्ट में भी अगर चाहो तो लेंस फ्लेयर डाल सकते हो इधर से। लेंस फ्लेयर मैं दिखा देता हूँ, बस ये वाला तीन है मेरे पास, चार है, ये वाला डाल देते हैं। ओके हो गया। अभी हमारा लोगो डाल देते हैं। तो ये था हमारा सिंपल टेक्निक चॉपर एडिट्स का। देखो कितना मस्त एडिट हो गया, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत ही इजी स्टेप है। बस टैग को फॉलो कर दीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक तब तक के लिए बाय टाटा टेक केयर। सब्सक्राइब करके जाएगा और साथ में बेल आइकन को भी।